Hi guys, this is Aki and you're watching Akidi Hot Pistons YouTube channel. दोस्तों लॉकडाउन खत्म आने वाले दिनों में हम सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके इंडिया के बेस्ट स्टंट राइडर्स के जो हम वीडियो लेके आते थे बनाते थे उनको आपसे मिलाते थे वो सब चीज़ आने वाले दिनों में आपको हमारे चैनल पे फिर से देखने को मिलेगी और मॉडिफिकेशन का काम भी हमारे आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन को हमारी और भी स्मूथ और भी सेक्सी बनाने के लिए हमने कुछ यहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट मंगाए हैं जो मैं ज़रूर आपके साथ दिखाना चाहूँगा। सो प्लीज़ वेलकम JPT Impact Wrench। अब ये क्या चीज है इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है JPT की पेटी जो कि हमें याद दिलाती है मनी इन द बैंक के, जो कि WWE में इसी तरीके की सूटकेस आया करती थी जिसमें पैसा भर के होता था, चेक वगैरह होते थे। तो यहाँ पे JPT के इस बॉक्स में है इम्पैक्ट रेंच। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन्स दे रखे हैं, इसको इस तरीके से ओपन करना है हमको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ साथ कई सारे एक्सेसरीज हैं, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इम्पैक्ट रेंच दिखा देता हूँ। टन क्या बात है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इम्पैक्ट रेंच। अब ये बेसिकली क्या काम करता है गाइज, इसकी मदद से आप बड़े बड़े नट जो भी टाइट होते हैं जो उसको आप बस कुछ ही सेकंड में टाइट कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में उसको निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं चार अलग अलग सॉकेट हैं जो इसके साथ आते हैं, 17 mm, 19 mm, 20 mm और 22 mm का सॉकेट इसके साथ आता है। अब ये जो है ये कोई नॉर्मल सॉकेट नहीं है गाइज, ये खास करके इम्पैक्ट रेंच के लिए ही बनाए गए सॉकेट है और इसका मेटल की क्वालिटी भी अलग होती है। आप चाहेंगे तो कुछ दूसरा नंबर अलग से हार्डवेयर शॉप से लेके लगवा सकते हैं, वैसे जो नॉर्मल सॉकेट होता है वो इंपैक्ट रेंच पे नहीं लगता है। दोस्तों इस इंपैक्ट रेंच के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा बैटरी भी आती है जो कि इस चार्जर की मदद से इसको चार्ज किया जा सकता है। लगभग 2 घंटे लगते हैं एक बैटरी को चार्ज करने के लिए। अब इस बैटरी को अटैच या फिर डिटैच करना बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बटन दे रखा है जिसको दबा के इस तरीके से बैटरी को निकालना है, यहाँ पे चार्जिंग का प्लग लगाना है और उसको चार्ज करना है और इसको वापस से इस तरीके से लगा के इस तरीके से पुश करना है, टक करके साउंड आएगा तब ये बैटरी यहाँ पे बैठ जाएगी। अब यूज़ करना बहुत ही सिंपल है गाइस, पहले तो आपको कोई भी सॉकेट लेना है, यहाँ पे एक होल है और यहाँ का होल दोनों को मैच करके इस सॉकेट को अंदर ढकेलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉकेट यहाँ पे लग गया है। अब इसको ऑन करना बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एक बटन दे रखा है जिसको लेफ्ट साइड पर दबाने पर यह एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट की तरफ घूमेगा, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ घूमेगा, और राइट साइड की तरफ दबाएंगे तो ये क्लॉक वाइज मूवमेंट की तरफ घूमेगा, मतलब राइट साइड की तरफ घूमेगा, और अगर बीच में रखेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, तो कितना भी आप बटन दबा लो ये दबेगा नहीं। और यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ एक यहाँ पे छोटी सी LED लाइट भी दे रखी है जो कि आपको रात के समय बहुत काम आने वाली है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मीटर इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे एक स्विच भी है, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा इसके अंदर कितनी बैटरी बची हुई है, और यहाँ पे इसकी जो स्पीड है इसको स्लो या फिर फास्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे बस इसका मोड को चेंज कर गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फास्ट घूम रहा है, अभी ये थोड़ा स्लो घूम रहा है। अब इसको हल्का सा दबाने पर ये स्लो घूमेगा और थोड़ा सा जितना आप ज़ोर से दबाएंगे उतना फास्ट घूमेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया चीज़ हाथ में आ गई है मेरे। अब इसका फ़ायदा ये है गाइस कि कितना भी बोल्ट हार्ड रहे ये आसानी से उसको खोलेगा। अब इसके अंदर एक हैमरिंग इफेक्ट है जिसकी मदद से ये एक हथौड़े की पावर उस बोल्ट पे डालता है और वो बोल्ट आराम से खुलता है। दोस्तों इस JPT इम्पैक्ट रेंच में जो हैमर इफेक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत काम की चीज़ है गाइस, मतलब इसमें एक साथ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है बोल्ट के ऊपर, हल्का हल्का इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब एक हथौड़े से हम जैसा मारते हैं वैसे हल्का हल्का इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसका फ़ायदा ये है कि मोटर के ऊपर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और आपका बोल्ट भी स्लिप नहीं होता। चलिए बहुत हो गया डेमोन्स्ट्रेशन, अभी कुछ बोल्ट खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस ये जो बोल्ट है ये 22 mm का बोल्ट है, अभी मैं इसको खोलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पैक्ट रेंच हमने लगा दिया है, अब बस बटन को दबाना है और ये खुलेगा। क्या बात है गाइज, एक सेकंड भी नहीं लगा लगभग और बोल्ट बाहर। दोस्तों ये जो सामने का बोल्ट है ये 19 mm का है, देखो गाइज यहाँ पे। क्या बात है गाइज, कुछ ही सेकंड में बोल्ट बाहर, बहुत बढ़िया चीज़ है, टाइम बचाता है और काम में मेहनत आपकी कम करवाता है। ये देखो अभी इसको मैं वापस टाइट कर रहा हूँ, अभी हम इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट पर रखेंगे, ये हमने लगा दिया यहाँ पे, ख़त्म, कहानी ख़त्म, बोल्ट बैठ गया यहाँ पे। तो गाइस ये था आज का वीडियो इस JPT के इम्पैक्ट रेंच
इसके ऊपर काफी बढ़िया चीज है गाइज, मतलब वायर वायर का कुछ झंझट नहीं है, आराम से इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। दो बैटरी प्रोवाइड करते हैं जेपीटी वाले, बहुत अच्छी बात है। और जेपीटी का आप लोग तो जानते ही हैं, नाम बहुत मशहूर हो रहा है इंडिया में क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे प्रोवाइड करें। अब इन जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं गाइज, अभी यहाँ पे बात जाती है बजट की, तो जेपीटी ये जो जिस बजट में ये इम्पैक्ट रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं सो कोई दूसरी कंपनी नहीं दे रही है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा अगर ये लेने का सोच रहे हो तो जेपीटी का ही लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, काफी बढ़िया है। और जो मैकेनिक वगैरह है जो अपना काम खुद से करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भाई लोग ये चीज बहुत बढ़िया चीज है। पहली बात आपका टाइम बचाता है, और जितना टाइम आप वहां पे नट खोलने में लगाते हो उतना टाइम आप कहीं किसी दूसरे काम में लगा के कुछ ज्यादा पैसे वैसे भी कमा सकते हो। सो गाइस यहां पे लॉकडाउन खत्म हो गया, मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम पल्सर लेंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज मैं हो रहा हूं गाइस। मैं यहां पे देखो गाइस, मेरी जिंदगी में मैं जो चाहता हूं मैं वो करना चाहता हूं, आप जो कहेंगे मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसा हूं, जो मुझे करना है मैं वही करूंगा। अभी आप में से सब लोग बोलते हैं कि पल्सर वापस लो, लेकिन यहां पे मेरा दिल उस चीज को वापस खरीद के लाने के लिए मना कर रहा है। मना इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने पल्सर का मजा ले लिया है, मैंने उसको अच्छे से पेल दिया है, अच्छे से हर एक चीज का मजा ले लिया है। अगेन मैं उसको वापस लेके आऊंगा तो वो मजा नहीं रहेगा गाइज, वो थोड़ा बोरिंग लगेगा। फिर भी मेरा मन कहीं ना कहीं पल्सर लेने में है, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि मेरा दिल अभी इन दिनों R15 V3 पे आ गया है गाइज। मैं क्या बोलूँ आपको, जब से वो बाइक को देखा हूँ मैं, वैसे मैंने ऑलरेडी R15 V3 पे वीडियो बना रखी है, लेकिन वो एक तरीके से मेरी ड्रीम बाइक थी गाइज, मतलब मैं बहुत समय से वो बाइक को लेने की सोच रहा था लेकिन ले नहीं पाया। यहाँ पर अभी पल्सर और R15 का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम है, लगभग R15 लगभग 7-8 हज़ार महंगी बिक रही है पल्सर 200 NS है, लेकिन यहाँ पर बात करें टॉप स्पीड की तो V3 की टॉप स्पीड ज्यादा है। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे स्टंट बाइक है, ऑलरेडी मेरे पास एक एक्सपल्स बाइक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पोर्टी बाइक की तरफ जाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा 40% माइंड जो है वो पल्सर की तरफ है, 60% माइंड R15 V3 की तरफ है। सो अगर आप लोग को R15 V3 लेके उसके ऊपर कुछ धूमधड़ा खतरनाक स्टंट करके दिखाऊंगा तो क्या आप लोग को अच्छा लगेगा, नीचे कमेंट करके बताना जरूर। वैसे बहुत ही स्पोर्टी लुक वाली बाइक है, बहुत अच्छा लगेगा अगर उसके ऊपर स्टंट करेंगे तो। सो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं गाइज, जो भी है आपका ओपिनियन नीचे बताना जरूर मेरे को, क्योंकि इन दिनों में बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं क्या करूं क्या नहीं करूं। सो आप लोग का प्यार चाहिए और आप लोग का सपोर्ट चाहिए।